तो गुड इवनिंग एवरी वन जय हिंद चलिए स्वागत है आप लोग का इस क्लास लेक्चर सीरीज में और अगर आपको याद होगा तो हम लोग पीछे क्या मेथड होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल का वो भी किस मेथड पे इंडस्ट्रियल मेथड में मतलब कि इंडस्ट्रियल मेथड से हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल इसके बारे में हम लोग पीछे की क्लास में सीखे हुए थे, ठीक है आज हम लोग उसी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे और आज उसमें जो एक बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको पहले सीखते हुए हम आज सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्योंकि आज का जो मेरा हेडिंग है वो आपका बेसिक हेडिंग यही है कि कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हम कैसे आपके ये अल्कोहल बनाएंगे मतलब कि जो शराब होता है शराब बनाने के तरीके क्या होते हैं ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके बारे में आज का मेरा बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आज का यही है ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले एक एक करके इसकी जानकारी लेते हैं और फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे ठीक है कुछ सही है आइए तो आज हम सबसे पहला जो टॉपिक इसमें सीखेंगे वो टॉपिक होगा ऑक्सो प्रोसेस से अल्कोहल कैसे बनाएंगे ठीक तो है तो सबसे पहले डालिए फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल विद हेल्प ऑफ ऑक्सो प्रोसेस ठीक है तो ऑक्सो प्रोसेस से हम सबसे पहले सीखेंगे अल्कोहल बनाना प्रोसेस का नाम क्या है ऑक्सो प्रोसेस इस बात को ध्यान रखेंगे नाम ही है इसका ऑक्सो प्रोसेस ठीक है ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास है खास करके इसमें हम जो कैटलिस्ट लेके चलते हैं वो होता है कोबाल्ट कार्बोनेल ठीक है इसमें कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं तो याद रखेंगे इसका जो कैटलिस्ट होता है वो होता है कोबाल्ट कार्बोनील ठीक है तो यहां पर हम जो कैटलिस्ट लेते हैं वो होता है कोबाल्ट कार्बोनिल और कोबाल्ट कार्बोनिल के उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं और वहां पे जो रिएक्शन होता है, ध्यान प्रोसेस से कहा जाता है कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जनरली रूप से पार्टिसिपेट करता है ठीक है यहां पर इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है एंजाइम वहां पे कौन से काम करते हैं कोबाल्ट कार्बोनेल ठीक है कोबाल्ट कार्बोनेल के प्रजेंस में ये रिएक्शन होता है तो मतलब कि सबसे पहले ध्यान रखेंगे हमने कल भी कहा था कि अगर एथिल बनाना है ठीक है या एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था और आज भी इस बात को हम बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो एल्कोहल बनता है वो एल्कीन से बनता है किसे बनता है सबसे ज्यादा एल्कोहल जो होता है वो आपका एल्किन से बनता है तो यहां पर भी वही प्रोसेस करेंगे यहां पे आपका सी टू डबल बॉन्ड सी एच टू सी टू डबल बॉन्ड सी टू हमारे पास एल्किन होता है और इस एल्किन को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के, के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं ध्यान रखेंगे एथीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या हाइड्रोजन देते हैं ठीक है जब इसके रिएक्शन कराते हैं कोबाल्ट कार्बोनिल के साथ कोबाल्ट ध्यान रखेंगे सी ओ ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट कोबाल्टूकी ऑक्टाइडल होता है तो इसीलिए इसकी क्या होती है ये ध्यान रखेंगे सीओ के पावर फोर है सीओ मतलब क्या है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये सी ओ जो है वो कोबाल्ट है कार्बन के साथ छोटा ऑक्सीजन लगा दिए तो ये कोबाल्ट हो जाता है और कार्बन के साथ अगर बड़ा ऑक्सीजन लगा दिए तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के पावर कितने फोर इसे कहते हैं हम लोग कार्बोनिल कोबाल्ट तो यहां पे क्या करते हैं कि हम लोग कोबाल्ट कार्बोनिल लेते हैं और कोबाल्ट कार्बोनिल के हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं और जहां से हमें क्या मिलता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड आता है इनके साथ पहले पार्टिसिपेट करता है ठीक है? अब इनकी की तरीके क्या होते हैं पहले हमें इसे समझना है ठीक तो यहां पे सीएच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर एच टू ओ है एच टू है नॉट एच टू हाइड्रोजन के मालिक्यूल से ठीक है तो सबसे पहले तो आप जो डबल बॉन्ड है इन डबल बॉन्ड को पहले आप फ्रेगमेंट में तोड़ दो ठीक है आप सबसे पहले हम आपसे हर बार बोलते हैं कि गिवन रिएक्शन में हमेशा मैकेनिज्म करते समय रिएक्शन को आप उतार लेना एज यूजल तो ये आपका सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन जो होता है यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है ठीक है और यहां पे जो हाइड्रोजन है कुछ इस तरह से इनकी अटैचमेंट है अब सबसे पहले इस बॉन्ड को आप क्लीवेज करो और बॉन्ड को आप ब्रेक करके दो भागों में बांट दो आप देखोगे कि ये कार्बन जो है इस तरह से आप एक हाइड्रोजन और यहां एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है इनकी अटैचमेंट कुछ इस तरह से ठीक है ठीके? अब हमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा कि ये जो हाइड्रोजन यहां पे दिख रहा है यहां पे है तो यहां से इनको जब आप फ्रेगमेंट करोगे तो ये अपने आयंस में जो होंगे वह मतलब अपने फ्री रेडिकल में जो होते हैं वह टूट जाएंगे फ्री रेडिकल दो भागों में विभाजित होगा और यहां से एक हाइड्रोजन जो होगा वह इसके साथ मिलेगा ठीक है अब ये बच गया दूसरा हाइड्रोजन क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है आप देखोगे कि यहां पे अभी भी हमारे पास क्या बचे हैं एंड्स बचे हैं भाई कार्बन जो होता है वो चार बॉन्ड बनाता है चार इसकी वैलेंसी होती है दो यहां पर ऑक्सीजन के साथ मिल गया मतलब दो वैलेंसी बच गई दो वैलेंसी बच गई इसका मतलब कि यहां पे जो आपका फ्री रेडिकल जो था ये आकर यहां पे तो अटैक कर गया यहां पर एक फ्री रेडिकल बचा हुआ है ये इसके साथ यहां पर मिल जाता है ठीक है चलेगा अब ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया ये हो गया आपका CH3 ये आपका हाइड्रोजन और ये CH2 तो है जो ये फ्री रेडिकल था ये कार्बन इसके साथ अगर आकर मिलेगा तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा और ये ऑक्सीजन ऐसा होगा अब एक दो तीन, एक हाइड्रोजन जो है ध्यान रखेंगे ये जो हाइड्रोजन बचा था वो आकर इसके साथ मिल जाता है तो ये बन जाता है H अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है सी एच थ्री सी एच टू और सी डबल बॉन्ड ओ एच इसी को हम लोग अगर पूरे को मिला दें तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ मतलब कि पहले जो एल्कीन था वो किसमें कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में तो मैथ एथ एक स्ट्रक्चर और आ गया तो मेथ एथ प्रोप तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल ध्यान रखेंगे ये है प्रोपेनल ऑल नहीं अल है क्योंकि अल्डिहाइड हो गया ठीक है तो सी एच टू भी तो लिखे हैं कहा सी एच थ्री लिख दिए सी एच थ्री सी एच टू कुछ गलत लिख दिए क्या सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू कहा गलत लिखे दृष्टि हर जगह तो सी एच टू ही लिखे हैं यहां सी एच थ्री होगा क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया जरा बताएं तो ठीक है तो ये हो गया आपका प्रोपेनल अब जो ये प्रोपेनल हमको मिला मतलब ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप ठीक है अब आती है सेकेंड स्टेप की बात जब ये आपका सी एच थ्री सी एच टू अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के था अब यहां पे हम क्या करते हैं हाइड्रोजन को लेकर आते हैं ध्यान रखेंगे यहां जो यहां पे जो कैटलिस्ट है वो कार्बोनिल क्लोराइड है कोबाल्ट कार्बोनिल है ध्यान रखेंगे यहां पे जो कैटलिस्ट है वो कोबाल्ट है लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पे हम जब हाइड्रोजन लेकर आते हैं तो यहां पे, तो पे हम निकल कैटलिस्ट लेकर आते हैं ध्यान रखेंगे जहां पे हमें हाइड्रोजन को जोड़ने की बारी आएगी जब हम लोग हाइड्रोजन को जब जोड़ेंगे तो वहां पर हम हमेशा कैटलिस्ट जो यूज करते हैं वो निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं ठीक है तो जोड़ेंगे कैसे यहां पे ये यह आयंस जो होंगे वो टूटेंगे ये माइनस में और ये अपना प्लस में हाइड्रोजन के मालिकूल से ये अपने पार्शियल चार्ज में ब्रेक होंगे एक हाइड्रोजन यहां और दूसरा हाइड्रोजन यहां आकर जुड़ जाएंगे जब जुड़ेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी यहां हो गया ओ OH एच यहां हो गया आपका पहले से एच जो था और एक नया एच आकर यहां पे जोड़ गया मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना वह क्या हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच मैथ एथ प्रोप यानी कि यह हो गया प्रोपेनॉल, नॉल ठीक है तो यह जो आपके पास प्रोपेनॉल मिला और ये हो गया आपका प्रोपेनल तो ये पेनल और ये प्रोपे नौल. तो आपको ये एक बेसिक आइडिया मिल गया कि अगर हमसे कोई कहे कि अल्किन से कि से अब इसे कन्वर्जन रिएक्शन भी हम पढ़ते हैं ध्यान रखेंगे आगे चलकर हम पढ़ाएंगे कन्वर्जन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्किन से हमें प्रोपेनल बनाना हो या अल्कीन से प्रोपेनॉल बनाना हो मतलब अल्किन से अल्कोहल या एल्किन से अल्डिहाइड बनाने की ये एक प्रोसेस होती है इसी को कन्वर्जन रिएक्शन ध्यान रखेंगे ये बाद में हमें बहुत काम के चीज होंगे तो ये है ऑक्सो प्रोसेस के माध्यम से एल्कोहल का फॉर्मेशन ठीक है तो आप इसको कन्वर्जन रिएक्शन में भी सीख सकते हैं और आप इसे इस तरह से भी या पढ़ सकते हैं ये है आपका सेकेंड स्टेप ठीक है कन्वर्जन रिएक्शन में इस तरह से भी पूछा जाता है कि अगर आपको एल्की, ए, से आपको एल्कीन बनाना हो रिएक्शन को उलाट दीजिए या अल, अल्कोहल से अगर एल्किन बनाना हो रिएक्शन को उलाट दीजिए आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो अगर आपके रिएक्शन की करने का बेसिक प्रोसेस पता है तो आप उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए अब इसके बाद हम आते हैं जो आज जो मेरा हेडिंग है जो हमारा चूंकि जो आज का टैग लाइन है जिस हम लोग हेडिंग को पढ़ने की कोशिश करेंगे वह है आपका फॉर्मेंटेशन देखो सबसे बड़ा चीज होता है एक सब टर्म बड़ा अच्छा टर्म आता है कि हम हाँ फॉर्मेंटेशन कहते किसे हैं। ध्यान रखेंगे क्योंकि फॉर्मेंटेशन एक लगता है कि छोटा बड़ा चीज होता है फॉर्मेंटेशन मतलब लगता है कि हाँ ये कुछ है सड़े गले हुए बात की बात कर रहा है ठीक है लेकिन वास्तव में फर्मन टेसन होता क्या है फर्मन टन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आज की हमारी हेडिंग है फॉर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होता है देखिए कहा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ध्यान रखेंगे बड़े मालिकुल्स जो बड़े बड़े कार्बोनिक मालिकूल्स होते हैं वो अगर किसी पार्टिकुलर एंजाइम के उपस्थिति में धीरे धीरे ध्यान रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है धीरे धीरे क्या होता है उनका डिकम्पोजिशन होता है तो द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ स्मॉलर फॉर्म With help of a catalyst, जो एक की तरह काम करता है या वो एक होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग फॉर्मेंटेशन कहते हैं पर सिंपल सी भाषा आपको अगर लिखना हो तो क्या बोलेंगे कि कार्बन मॉलिक्यूल्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है ठीके? भाई कार्बोहाइड्रेट का है? कार्बन का बड़ा मॉलिक्यूल्स है फैट कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या है कार्बन के बड़े मॉलिक्यूल्स है अगर एक कार्बन के बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते किसी भी एंजाइम की उपस्थिति में किसी कैटेलिस्ट की उपस्थिति में वो धीरे 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 डीकम्पोज हो जाते हैं टूटने लगते हैं और टूट के वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देते हैं तो यही प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेंटेशन ठीक है तो ध्यान रखेंगे फॉर्मेंटेशन क्या होता है कि ये सिंपल फॉर्म में टूटना बड़े मॉलिकूल्स को छोटे फॉर्म में अनेक एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बनने की प्रक्रिया है कहलाती है फर्मेंटेशन ठीक है एकदम बेसिक आपको ये सोचिए ये फर्मेंटेशन का डेफिनेशन एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं तो इसको आप एग्जाम के रूप में बस ऐसे समझ लीजिए फर्मेंटेशन क्या है कि जो बड़े मॉलिक्यूल से कार्बन के वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह छोटे-छोटे फॉर्म में विघटित हो जाते हैं और वो प्रोसेस किसके द्वारा होता है किसी पार्टिकुलर एंजाइम या एंजाइमिस्ट द्वारा होती है और वो जो होती है वो क्या होता है एक स्लो प्रोसेस होता है ठीक है अब देखिए जो ये की प्रक्रिया है पहले के समय में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्चर क्या नाम था उनका लुइस पास्चर पी एस टी आर ठीक है टी ई यू आर है सॉरी स्पेलिंग गलत है पास्चर इन लोगों का अंग्रेजी का स्पेलिंग भी इतना अच्छा होता है ना साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्चर ये लुइस पास्चर जो पहले पहली बार इन्होंने फॉर्मेंटेशन के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि जो एंजाइम होते हैं वो एक लिविंग एंजाइम होते हैं ठीक है और ये इसको डिकम्पोज करते हैं पर बाद में एक कटाक्ष आए और जिनका नाम था एक और साइंटिस्ट है साइन्ट जिसका नाम था अब लोग उसे हम 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 लोग तो उसे हम बकनर पढ़ते हैं लोग उसे बुंचार, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं तो आप उनको बकनर भी पढ़ सकते हैं जिनका नाम था बकनर बी यू सी एच एन ई आर नाम था बकनर ठीक है एक नए साइंटिस्ट था बकनर और इन्होंने इसके बारे में एक विस्तार रूप से चर्चा की ठीक है अब ये इनकी जो विस्तार चर्चा थी वो क्या थी अब इसको हम आपको समझाते हैं क्या हुआ भैया बोर्ड तो हमारा बड़ा ब्लर दिख रहा है ठीक है लुइस पास्टर के बाद लुइस पास्टर ने कहा कि जो एंजाइम या कैटेलिस्ट होता है वो जो होता है वो किसी लिविंग एंजाइम होते हैं लिविंग होता है है अब ठीक है ना लेकिन बाद में जब बकनर आए तो बकनर ने कहा नहीं जो एंजाइम होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं लेकिन हां उनका जो ग्रोथ होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहकर उनकी ग्रोथ होती है उनकी डेवलपमेंट होती है ठीक है इसलिए जो एंजाइम होता है उसकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर पर ज्यादा वो एक्टिव हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादातर ज्यादातर कहा जाता है 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 कि उस पे वो एक्टिव रहता ठीक तो ये बकनर का कंसेप्ट था कि जो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं खास करके जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो जनरली रूम टेम्परेचर पर होती है और जो टेम्परेचर दी जाती है रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके वो होता है 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस इस पर ये एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से कार्य करते हैं ठीक है अभी जो अल्कोहल बनाए जाते हैं ध्यान रखेंगे हम सीख क्या रहे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अभी जो अल्कोहल बनाए जाते हैं इनके दो सोर्स होते हैं ध्यान रखेंगे केमिकल प्रोसेस जो होता है ये आपके दो सोर्स मतलब खास करके हमारे पास है क्या इथेनॉल बनाना है इथेनॉल ठीक है जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है यही हमारे मार्केट में अल्कोहल के रूप में शराब के रूप में मिलता है ठीक है अब वो शराब जो भी होगा लेकिन उसका कंपोजिशन जो होता है एथिल अल्कोहल वाला ही है मतलब उसमें एल्कोहल की कॉम्बिनेशन की डिपेंड करता है को कितना परसेंट उसमें एल्कोहल मिलाए गए ठीक है अब हम आज को आपको यही चीजें सिखाएंगे कि कैसे हम बनाते हैं अब देखो तो जो ये एल्कोहल बनाते हैं इसका जो मेन सोर्स होता है ठीक है मेन सोर्स होता है वह होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना ये दो रूपों में पाए जाते हैं ध्यान रखेंगे ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके दो रूपों में पाए जाते हैं और जो फॉर्मेंटेशन जो वाइडली हम लोग को मिलती है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो खास करके दो सोर्स होते हैं एक जिसमें सुगर मिलता है क्या होता है एक सुगर खास करके जहां पर हम लोग देखे होंगे शुगर केन जिसको हम लोग के बहुत सारे सुगर केन आप एक क्वेश्चन आता है कि क्या सुगर केन से डायरेक्ट शराब बनाया जाता है नहीं सुगर केन का मेन काम जो होता है वो चीनी बनाने में की जाती है चीनी गुड़ बनाने में यूज करती है लेकिन उसके बाद जो उसकी गंदगी बच जाती है ध्यान रखेंगे सुगर को जब हम क्या कहते हैं जब उसके रस को जब हम रिफाइनरी में जब गर्म करते हैं तो उसके जो ऊपर जो गाद निकलता है जो गंदगी चीज जो निकल जाती है उस गंदगी चीज को ही आगे चलकर हम लोग मोलैसिस के नाम से जानते हैं क्या बोलते हैं मोलैसिस कहा जाता है और ये मोलैसिस शुगर का सुगर केन का बिगड़ा हुआ रूप होता है वो डस्ट, डस्ट पदार्थ होता है वो खराब जो सुगर केन का जब उसमें से गंदगी बाहर निकलती है उसमें बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा नहीं होती है वो मीठा ज्यादा नहीं होता है वो उसका खराब जो गाद जिसको बोला जाता है वो हिस्सा मोलसलेस कहा जाता है अभी हम बताएंगे कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं ठीक है ठीके? हो गया या आपके खास करके आप देखे होंगे जो ग्रेड वाइन बनाए जाते हैं वह आपके ग्रेप्स ग्रे, ग्रेप्स के होते हैं अंगूर के बने होते हैं ठीक है जो शुगर के खास करके तो ये किसके बने होते हैं ग्रेप्स के होते हैं या आपके जो क्या कहते हैं बीट चुकंदर जिसको कहा जाता है रूट बीट जिसका नाम होता है उसका भी ज्यादातर क्या होती है शराब जो रेड वाइन जो होती है वो खास करके बीट्स या के बने होते हैं ठीक है तो पहला सोर्स जो होता है वह आपका सुगर होता है जिसमें सुगर की मात्रा पाई जाती है दूसरा जो सोर्स होता है वह जिसमें स्टार्च पाई जाती है ध्यान रखेंगे एक स्टार्च और दूसरा सुगर तो शराब बनाने का दो साधन एक सुगर द्वारा और एक एस्टार्च द्वारा एस्टार्च में जितने भी आपके जैसे में बार्ली हो गए ठीक है मतलब होता है बाजरा जौ आपने सुन ना बार्ली ठीक है बाजरा इसमें क्या होता है जिसमें खाने पर मीठा लगता है ठीक है तो बाजरा हो गया बारली या आपके क्या कहते हैं पोटैटो हो गया पोटैटोज हो गए ठीक है या आपका राइस हो गया इस तरह के जितने भी चीजें होते हैं उनका यूज जो होती है वह शराब बनाने में की जाती है एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर हम चावल खाते हैं तो उसके बाद हमको भयंकर नींद आती है ऐसा क्यों आप इस चीज को देखे होंगे चावल जब आप खाते हैं तो आपको नींद बहुत आती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि चावल में जो होती है वह स्टार्च पाई जाती है और जो होता है वो आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी सी अल्कोहल में जो हमारे लिए क्या करता है नींद उत्पन्न करने का तो चावल खाने का जो साइड इफेक्ट है बाद में शरीर फैल जाता है वो अलग कंसेप्ट बताएंगे कि स्टार्स जो होता है वो खास करके फैट में कन्वर्ट होता है जिसके चलते हमारी बॉडी जो होती है वह मोटी होती जाती है ठीक है वो अलग कंसेप्ट है तो ये स्टार्च और सुगर अब इनकी जो कहानी होती है कन्वर्जन होता कैसे हम आपको अब ध्यान रखेंगे अब हमें दो चीजें सीखनी है एक सीखनी है स्टार्च से कैसे अल्कोहल बनता है और एक सीखेंगे हम सुगर से कैसे अल्कोहल बनता है ठीक है तो मेरे पास दो मेथड हो गए अब हम दोनों मेथड को एक एक करके उपयोग करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एथेनॉल का फॉर्मेशन हम शुगर से कैसे करते हैं ठीक है तो पहला है इथेनॉल फ्रॉम सुगर और खास करके हम आपको जो मोलेसिस होते हैं उनका हम आपका तरीका बता देते हैं कि चूंकि मोलैसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में काम करता है हम उसी को सबसे पहले डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं देखिए मोलेश होता है, क्या है मोलैसिस जो होते हैं वह सुगर इंडस्ट्री से पाया जाता है और ये एक डार्क पता है ना कि जब हम उसका जूस जो निकलता है जब उसको हम हीट करते हैं तो उसके ऊपर से एक गाद निकलता है गंदगी निकलती है वो डार्क हिस्सा जो होता है उसी को हम लोग मोलसिस कहते हैं आगे चलकर वो एक मतलब कि वो प्योरीफाई सुगर नहीं होता है सुगर का ही सेकेंड फॉर्म होता है जिसको हम लोग ब्राउन शुगर भी आगे आगे चलकर जब उसकी सुगर बनाते हैं तो गंदगी सुगर होती है तो उसमें मिठास ज्यादा नहीं होता है तो वो जो गाद निकलता है वो मतलब कि क्या कर सकते हैं डस्ट मटेरियल्स होते हैं शुगर के वो जो शुगर भी क्या कर शुगर के मतलब है सुगर केन के रस जो हम लोग निकालते हैं उसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ऊपर से जो गंदगी बाहर निकलती है उसको हम स्टोर करते हैं ठीक है ठीके? और स्टोर करने के बाद उसको क्या करते हैं कि हम फॉर्मेटेड करते हैं और वो फर्मेंटेबल से करीब करीब उसमें उसकी जो मिठास होती है वो काफी कम होती है ठीक है और वो हमारे जो उसको अगर हम यूज करते हैं तो मेरी बॉडी के लिए काफी हानिकारक होता है इसीलिए वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं मतलब फायदेमंद नहीं होते हैं ठीक है अब बनाने का तरीका क्या करते हैं अब इसको समझिएगा जो मेरे पास जो ये गंदगी मिलती है ठीक है इस गंदगी को सबसे पहले हम पानी के साथ हम डाइल्यूट करते हैं सबसे पहला काम क्या होता है ध्यान रखेंगे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसको हम डाइल्यूटेड करते हैं डाइल्यूटेड विथ वाटर ठीक है पानी के साथ इसको हम डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करने के दौरान ध्यान रखेंगे उसमें जो हम एल्कोहल होता है जन सुगर मिलाते हैं ठीक है जो डाइल्यूट करते हैं करीब करीब टेन परसेंट वाट सुगर को हम इसमेंटी कंपोज करते हैं तो फर्स्ट स्टेप कि जो मोसेस होते हैं उसको हम डाइल्यूटेड करते हैं वाटर के साथ और उसमें उसमेंट्रेशन ऑफ सुगर टेन परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ठीक है 10 10 अब जब ये टेन परसेंट कंसंट्रेशन अब इसमें क्या करते हैं कि ध्यान रखेंगे जब भी हम डिकम्पोजिशन करते हैं सर और सबसे तो सोने थे बट पोटैटो अभी बताएंगे बताएंगे अभी कहा है? है। आप रुक जाइए दृष्टि थोड़ी देर ठीक है आलू से भी शराब बनाया जाता है बताते हैं तो इसमें क्या होता है अब इसमें जो सॉल्यूशन हमें मिला अब यहां पे क्या बन गया जब इसको हम घोल दिए तो बन गया हमारे पास सॉल्यूशन अब ये सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन बना है ना उस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि एक केमिकल्स डालते हैं ध्यान रखेंगे डाइल्यूशन में या इस तरह की जब भी हम फॉर्मेंटेशन करते हैं उसमें नाइट्रोजनस मटेरियल का जरूरी उपयोग करते हैं नाइट्रोजनस मटेरियल जो होते हैं ज्यादातर इसमें काम आते हैं तो हम यहां पे क्या करते हैं कि अमोनियम साल्ट का प्रयोग करते हैं क्या यूज करते हैं अमोनियम सॉल्ट का प्रयोग करते हैं और ये अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं या तो सल्फेट के या तो फॉस्फेट के तो एन एच फोर का होल ट्वाइस एसओन का होल ट्वाइस, PO4, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम फौस, अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट दो इसमें केमिकल्स को हम मिला देते हैं ठीक है और ध्यान रखेंगे कि जब हम इसको मिलाते हैं तो सॉल्यूशन में इसको हम इसमें मिला दिए ठीक है अब चूंकि सॉल्यूशन मिल गया अमोनियम फॉस्फेट या सल्फेट के साथ तो डर रहता है कि चूंकि अब तो वो गंदगी की चीजें हैं सॉल्यूशन मिला दिए तो डर इस बात का रहता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया उसमें अटैक ना कर दे खास करके बैक्टीरिया वायरल नहीं अटैक होता है बैक्टीरिया अटैक करता है जिसके चलते सड़ने की संभावना रहती है बदबू आने लगता है सड़ने लगता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसी सॉल्यूशन में स्टेप थर्ड में इसी के अंदर हम एच टू एसओ फोर मिला देते हैं एसिड क्या करेगा कि जो सॉल्यूशन सड़ने वाला था उसको सड़ने से बचाएगा ध्यान रखेंगे इसमें भी हम स्मॉल अमाउंट मिलाते हैं ऐसा नहीं कि बहुत सारा मिला दें जिसके चलते जो फॉर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया आने वाला था वो मर जाए ठीक है तो ये भी ध्यान रखेंगे फर्स्ट स्टेप में हम हाँ पहले मैलोज को निकालते हैं मैलोज को कैसे निकालते हैं गन्ने का जूस निकालते हैं उसकी जो गंदगी होती है उसको गर्म करते हैं हीट करने को उसकी जो गंदगी होती है उसे बाहर निकालते हैं बाहर निकालने के बाद 10 परसेंट कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर में उसको पहले घुला देते हैं घुलाने के बाद अब उसमें एक हम केमिकल मिलाते हैं जो अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट होता है अब जब ये दोनों सोल्यूशन मिल जाते हैं तो मिलने के बाद इसको बाहरी बैक्टीरिया के कंसेंट्रेशन सड़ने से बचाने के लिए कोई अदर बैक्टीरिया अटैक ना कर दे इसके ऊपर उसके लिए हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं ठीक है अब ये क्या करेगा कि जो अदर बैक्टीरिया है ये सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं कि जो अनसर्टेन बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को ये प्रोटेक्ट कर देता है रोक देता है ठीक है अब इसके बाद ध्यान रखेंगे कि जैसे ही यहां से आगे बढ़ाते हैं अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर फोर ठीक है अब जो है इसमें हम मिलाते हैं ध्यान रखेंगे पहला स्टेप हम ये सेकंड ये और इसके बाद अब हम इसी में मिलाएंगे ईस्ट अब हम ईस्ट को मिलाते हैं क्या करते हैं ईस्ट मिलाते हैं क्या करेगा कि अब इसे फॉर्मेंटेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा ठीक है और टेम्परेचर सेल्सियस तक ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो नुकसान करेगा तो हम यहां पे 30 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और इसको छोड़ देंगे कुछ दिनों तक फ्यू डेज अब इष्ट अपना काम करना शुरू करता है ठीक है और जब ये इष्ट काम करना शुरू करता है तो ये जब इष्ट मिलाते हैं तो इसमें एंजाइम होते हैं अब ये एंजाइम कैसे काम करते हैं आपको समझाते हैं यहां तक तो स्टेप तो समझ में आ गया पहले हम क्या करते हैं मोलस लेते हैं मोलस लेने के बाद उसमें हम अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं अनवांटेड बैक्टीरिया से प्रोटेक्टेड करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं ध्यान रहे ये डाइल्यूटेड होता है कंसंट्रेटेड मत मिला दीजिएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं जब उसके बाद इसमें हम ईस्ट मिलाते हैं और 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके इसको कुछ दिन तक छोड़ देते हैं ठीक है क्योंकि ईस्ट में जो होते हैं वो दो तरह की इसमें एंजाइम पाई जाती है और वो एंजाइम क्या होता है तो हमने पहले तैयार किया सुगर सुगर क्या था सी ओ11 ये होता है सुगर का फार्मूला C12H22O11 इस सुगर का फॉर्मूला होता है ठीक है अब चूंकि इसको घुलाए हैं हम पानी में तो ये बन गया H2O के साथ ये घुल गया घुला तो इसमें सबसे पहले इष्ट जो एंजाइम देता है उसको लोग कहते हैं इनवर्टेज ध्यान रखेंगे ये कई बार का एग्जाम का क्वेश्चन रहा है पहला एंजाइम होता है इनवर्टेज इनव टेज, ठीक है पहला इंजाइम जो होता है इनवर्टेज ये क्या करता है कि सबसे पहले इनको दो छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है तो सबसे पहला टूटता है सी सिक्स एच ओ सिक्स और दूसरा सी सिक्स एच ओ सिक्स ठीक है एक को कहते हैं हम लोग ग्लूकोज और एक को कहते हैं हम लोग फ्रॉपटोज ठीक है छे एक पांच कार्बन का चेन होता है एक छह कार्बन का चेन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है अब जा ये में जब ये और फ्रुक्टोज होता है एफ आर फ्रुक्टोज होता है दो भागों में ये टूट गया अब जो ये ग्लूकोज के मालिकुल्स होते हैं या फ्रक्टोज के जो मालिक कोई भी एक मालिकूल्स से सिक्स एच ओ सिक्स इसको जो होता है अब इसमें दोनों में ग्लूकोज और फ्रोक्टोज दोनों में एक और एंजाइम आता है जिसको हम लोग मत करना कि जा सिमरन जीत जी लिया आपने जिंदगी ठीक है तो ये ऐसा कहानी नहीं होता उससे आप याद भी कर सकते हैं जाइमेज ठीक है ये यहां पर जाइमेज की उपस्थिति में ब्रेक होता है ठीक है और टूटता है और टूटने के बाद ये बनाता है दो मोल सी एच थ्री सी एच टू एच और साथ में बाहर निकलता है कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है तो क्या बाहर निकलता है यहां से कार्बन डाई ऑक्साइड तो याद रखेंगे इसमें दो तो ही मुख्य इंपॉर्टेंस में से तीन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पहला कौन सा हम कैटेलिस्ट लेते हैं दूसरा कौन कौन से एंजाइम का यूज करते हैं ठीक है अब ये जो हमारे पास लिक्विड मिला अब ऐसा नहीं कि हमको जो लिक्विड मिलता है वो तुरंत तैयार हो गया अल्कोहल ऐसा ऐसा भी नहीं होता है अब इसके भी आगे के स्टेप हैं। यहां तक समझ में आ गया अब जो ये मिला मुझे लिक्विड अब जो लिक्विड होता है ध्यान रखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ ठीक है जो इस फॉर्मेटेशन के बाद जो इस्ट के बाद जो हम यहां से फॉर्मेटेशन किए मतलब जो मुझे एल्कोहल मिला ठीक है ये एल्कोहल जो होता है ये सिर्फ आठ से दस प्रतिशत कंसंट्रेटेड होता है कितने होते हैं आठ से दस प्रतिशत कंसंट्रेटेड होते हैं अब ये जो आठ से दस परसेंट एथेनॉल मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं वास w A S H। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसे क्या कहते हैं हम लोग वास बोलते हैं ठीक है अब ये जो वास होता है अब इसका हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं क्या बोलते हैं अब इसका हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक है fractional, fractional जो फ्रैक्शनल इसका डिस्टिलेशन करते हैं डिस्टिल मतलब उसको प्यूरिफाई करते हैं तो यहां से बनता है एस्प्रिट जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड एस्प्रिट यहां से बनता है रेक्टिफाइड एस्प्रीट ठीक है अब एस्प्रीट का जो फॉर्मेशन हुआ अब यहां से क्या करते ध्यान रखेंगे अभी जो रेक्टिफाइड स्प्रीट होता है ये जो है करीब करीब 95% परसेंट एल्कोहल हो जाता है ध्यान रखेंगे वास में मात्र आठ से दस परसेंट एल्कोहल होता है जब उसको हम लोग प्योरीफाइड कर लेते हैं तो नाइन टू यहां से प्योर मिल जाता है मतलब क्या होता है कि सेम टेम्परेचर पे क्या करते हैं उसको हम बॉइल्ड करते हैं ठीक है तेके? तो टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हुए टेम्परेचर पर हम उसको काम करते हैं तो जब हम इसे एजियोट्रोपिक करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग यहां से प्रोसेस में प्रोसेस से हम आगे चलकर हम प्यूरिफिकेशन के काम करते हैं ठीक है और जब एजियोट्रोपिक करते हैं तो यहां से हमें एब्सल्यूट एल्कोहल प्राप्त होल्कोहल मिलता है और ये जो एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है वह हंड्रेड परसेंट कंसंट्रेशन होता है ठीक है तो ये हंड्रेड परसेंट कंसंट्रेटेड प्राप्त होता है और इसको हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन क्या बोलते हैं हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजियोट्रोपिक एजियो डिस्टिलेशन इसे बोलते हैं हम लोग एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन ठीक है और यहां पे हमें जो एल्कोहल मिलता है और ये एल्कोहल जो होते हैं क्या करते हैं हंड्रेड परसेंट कंसेंट्रेटेड होता है तो ये है एक प्रोसेस जिसके माध्यम से आप सुगर से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे हमें पता है थोड़ी सी डिफिकल्ट है पर आपको जान के हैरानी होगी कि इस बात को हमें समझने में दो से, से तीन साल लग गया था कि कैसे सुगर से हम एल्कोहल बनाते हैं ठीक है और ये आपको हर जगह काम आएगा बायोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा बायोलॉजी में भी काम आने वाला है केमिस्ट्री में तो काम आता ही आता है तो आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हम सुगर लेते हैं या हम आपको क्या कहते हैं ग्रेप्स लेते हैं कुछ भी लेते हैं उसको सबसे पहले उससे हम सड़ा देते हैं अंगूर लेंगे तो उसको हम पहले सड़ा देते हैं पानी में अच्छे तरीके से उसके जो जूस निकालने के बाद उससे हम पानी में मिलाएंगे पानी में मिलाने के बाद क्या करते हैं उसमें एक हम सल्फेट या मिलाते हैं ताकि अनसर्टेन बैक्टीरिया जो अनवांटेड बैक्टीरिया है वो ना आए ठीक है ठीके? फिर उसके बाद उसको हम थर्टी डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करते हुए इष्ट डालते हैं कुछ दिन तक छोड़ देते हैं इष्ट के अंदर दो एंजाइम होते हैं एक होता है इनवर्टेज और एक होता है जाइमेज

जो आठ से दस परसेंट अल्कोहल मिलता है वास का नाम देते हैं जो डिस्टिलेशन हम करते अभी भी के परसेंट नहीं होता है तो उसके बाद हम डिस्टिलेशन कर देते हैं जहां से हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलता है जो 100 परसेंट प्योरिफाइड मतलब 100 परसेंट प्योर एल्कोहल होता है आई बस समय में तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द स्टार्च ठीक है अब आती है बात सॉरी नॉट ए स्टार्च फ्रॉम सुगर ठीक है तो सुगर से हम कैसे अल्कोहल बनाए ये चीज हम सीख लिए अब हम सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर स्टार्च है तो स्टार्च से हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे तो इसका सेकंड प्रोसेस को हम अगर यहां पे लिखें कि इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च, ठीक है अब दूसरा है इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। अब आपको पता है स्टार्च जो होते है, जो होते हैं हैं, वो पोटैटोज में ठीक है ठीके? या आपका बार्ली में होता है या आपके जो होते हैं आपके क्या कहते हैं पोटैटो हो गया बार्ली हो गया या राइस हो गया इनमें जो होते हैं वह स्टार्च पाए जाते हैं ठीक है अब देखिए ये जो इस तरह के जो कंप्लेक्स होते हैं अब इनको कैसे तैयार किया जाता है अब इसको समझिए क्योंकि तो स्टार्च से स्टार्च से इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं स्टार्च आपके मेज में भी पाए जाते हैं राइस हो गया मेज मक्का जिसको कहा जाता है मेज में भी ये सब चीजें ज्यादा पाए जाते हैं ठीक है तो अब इसको क्या करते हैं कि आप देखो सबसे पहली चीज कि इनको हम प्रेशर को कांस्टेंट होते हुए ठीक है इनको से पहले हम करीब करीब जो भी सबस्टांस मिलता है स्टेप नंबर फर्स्ट समझिए सबसे पहले इनको हम 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम एस्टीम करते हैं ठीक है डिस्टिलेशन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन मतलब उसमें से जितनी भी पानी की मात्रा है उसे बाहर निकाल जैसे मान लीजिए कि सिंपल तरीका समझिए चीनी और पानी के घोल है ठीक है उसको डिस्टिल करने के लिए क्या करेंगे हम कि स्टीम करेंगे तो जो स्टीम आप करोगे तो उसकी जो गंदगी होगी चीनी में जो आप ये तैयार करते हो ना सीरा जब बनाते हो तो सीरा बनाते समय क्या होता है कि चीनी को पानी में गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो उसकी जो गंदगी होती है ऊपर आ जाती है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं या या उसमें 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 हम 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 सोडा सोडा डालकर डालकर उससे गर्म जो जो है भिंडी होती है ना भिंडी भिंडी का जो प्लांट होता है उसको हम पानी में सड़ाकर या पानी में डालकर उसके बाद हम उसमें डाल देते हैं तो गंदगी जो होती है वो कट के बाहर निकाल देते दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्यूरिफिकेशन का सेकंड फॉर्म डिस्टिलेशन होता है ठीक है आई बात समझ आप पढ़े डिस्टिल वाटर उसमें डिस्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि उस वाटर में कोई पैथोजन कोई बैक्टीरिया कोई वायरस नहीं होते। उसे कहते हैं डिस्टिल वाटर तो जो हम लैब में मिलता है ठीक है अब हमें क्या मिला कि ये जो स्टेप फर्स्ट है इसको हम 440 से 150 डिग्री टेम्परेचर पर इसे हम स्टीम करते हैं क्या करते हैं हम स्टीम्ड करते हैं ध्यान रखेंगे इसे हम बॉइल करते हैं अब जब ये एस्टीम होता है यहां पर ठीक है अब इसे हम एस्टीम करते हैं और जैसे ही एस्टीम होता है प्रेशर ध्यान रखेंगे अंडर प्रेशर अब ये क्या करता है कि माल्टोज में कन्वर्ट होता है स्टीम करेंगे अंडर प्रेशर तो ये कन्वर्ट होता है माल्टोज में अब ये माल्टोज में कन्वर्ट होने के लिए यहां पर एक एंजाइम होता है ध्यान रखेंगे जब ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो सबसे बड़ी चीज देखिए क्या होता है कि जो हम प्रेशर में इसके हम लोग जब इसको आ, क्या कहते हैं क्योंकि स्टार्स जो होता है ना वो जनरली जो होता है वो क्या कर सकते हैं आप कैसे इसको बताएं पहले समझिए जो अब इसको हम एस्टीम करें ठीक है आए समझिए पहले एस्टीम जब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको एस्टीम करोगे ना आलू है जब आलू को मान लीजिए कि आप एस्टीम करोगे तो उसमें से भाप बनेगा तो उसके जो स्टार्च होंगे वो क्या होंगे मेल्ट होंगे और आकर एक सॉल्यूशन में इकट्ठा होगा ठीक है इकट्ठा होगा जिससे आप पढ़े होंगे ना किसमिस बनाने का भिंडी में ऐसा क्या पाया जाता है कि जो कि

यूज़ करते हैं उसमें ठीक तो अब तो क्या करते हैं कि जब स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के बाद जो उसके वेपर बन गया अब रखेंगे वो सॉल्यूशन जो होता है वह कहलाता है ध्यान रखेंगे यहां पे जो था वो वास नाम था और वहां पर जो सोल्यूशन बनकर हमें तैयार होता है उससे हम लोग कहते हैं मास क्या नाम देते हैं ध्यान रखेंगे वहां पे जो हम नाम देते हैं कहते हैं मास ए ए डबल सॉरी एच ठीक है क्या बोलते हैं हम लोग मास कहते हैं मास किसे कहते हैं कि जो हमारे पास धोने आलू या स्टार जो भी है आलू हो गया बार्ली हो गया गेहूं हो गया इसको जब हम स्टीम करके जो उसमें से सा सारे स्टार्स को चूस लेते हैं स्टीम करके बाहर निकाल लेते हैं तो इसीलिए हम लोग जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मास बोलते हैं ठीक है अब ये जो मास होता है इसको हम अब आगे की प्रोसेस में डालते हैं अब वो जो अंडर प्रेशर में अब इधर पे क्या करते हैं कि जो मास होता है इसमें हम एंजाइम डालते हैं ठीक है अब ये एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम खास करके होते हैं क्या बोलते हैं उसको डाइस्टेज ठीक है अभी जो मास बना ये किसका फॉर्म होता है आपका स्टार्च का ही फॉर्म है ठीक है स्टार्च है कहते हैं ना कि चावल होता है चावल को हम धो देते हैं अब इसको समझो ऐसे चावल को हम क्यों ज्यादा ज्यादा धोते हैं धोने से ये होता है कि उसके स्टार्च जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं ठीक है उस तरह से आलू जो होता है हम लोग कहते हैं ना कि आलू को हमेशा जब हम लोग बनाते हैं तो आलू को छिलले से पहले धोते हैं ठीक है क्योंकि जितना आप आलू को धोगे उसके स्टार्च जो होंगे वो बाहर निकलेंगे आपने देखा होगा सिंपल तरीका आपको हम बताते हैं आलू जब आप काटिएगा काट के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा ठीक है या आलू को काट के पानी में जब बॉयल करिएगा तो देखिएगा कि जो पानी जो होता है वो पहले के कंडीशन में उसकी चेंज हो गई रहती है वही जो पानी जो होता है ना वही पानी को हम लोग कहते हैं मास उसके अंदर चुकी स्टार जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है तो अब यहां पर जो स्टार्च मिला अब इस स्टार्च को क्या करते हैं कि अब हम यहां पर एंजाइम लेकर आते हैं और वो एंजाइम जो होता है लोग कहते हैं डाइस्टेज। तो जो स्टार्च मिला सी सिक्स एच टेन ओ फाइव के एन एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भाई जाहिर सी बात है स्टार्च क्या है ग्रुप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ठीक है तो ये होते हैं स्टार्च का फॉर्मूला और यहां पे चूंकि पानी के साथ स्टीम तो किए हैं और पानी की मात्रा भी थोड़ी बहुत होती नहीं है पानी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है ठीक है ये यहां पे जो पानी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है तो यहां पे क्या हो गया एन नंबर ऑफ मोल ऑफ एच टू अब यहां पे एंजाइम आते हैं डाइस्टेज क्या नाम देते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं इसको हम लोग डाइस्टेज ठीक है अब जब यह डाइस्टेज यहां पर आता है तो काम कैसे करता है अब इसे तोड़ता है माल्टेज ध्यान रखेंगे तोड़ता है किसमें माल्टोज में, माल में. ठीक तो माल है तो माल्टोज में टूटता है जहां पर माल्टोज जो होता है वो ग्लूको आपका सुगर का एक फॉर्म होता है ऑफ़ सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ एलेवेल क्या टूटाइए माल्टोज में अब अब गौर से देखो सबसे पहले स्टार्च को कन्वर्ट किया गया किसमें माल्टोज में, माल में. ठीक है नाम क्या होता है इसका माल्टोज हमारा काम क्या था क्योंकि स्टार्च जो है एक बहुत बड़ा मॉलिकोल था क्या था बड़ा मॉलिकोल था उस मालिकुल्स को पहले छोटे मालिकुल्स में तोड़ा गया मतलब माल्टोज में लाया गया और ये माल्टोज क्या है C12H22O11 ये एक n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ तो ये माल्टोज हुआ क्योंकि ये फॉर्म किसका है ग्लूकोज सुक्रोज सॉरी शुगर का है अब देखोगे तो ये शुगर का ही फॉर्म है अगर एक मॉलिक्यूल्स है तो वो शुगर कहलाता है और n मॉलिक्यूल्स है तो वो माल्टोज हो गया ठीक है अब ये फिर प्रोसेस जो होगा अब यहां तक तो कन्वर्ट हो गया अब यहां से फिर ये प्रोसेस जो होती है हो वह रिपीट हो जाती है बात समय में अब ये पूरा का पूरा फिर यहां पे क्या होगा कि आप ध्यान रखेंगे अभी क्वेश्चन आता है कि क्या यहां पर एंजाइम भी इन्वर्टेज और जाइमेज होता है तो नहीं एंजाइम थोड़े से क्या होते हैं बदल जाते हैं वो एंजाइम कैसे बदलते हैं आपको यहां सिखाते हैं जो आपको यहां पे माल्टेज है जो एन मोल ऑफ मालिकूल्स है तो अगर इसमें से हम एक मालिकोल्स को निकाल लें, तो हम लोग कहते हैं माल्टोज, जनरली जो मालिकूल्स होते हैं वो अगर एन एक हो, तो कहा लिख प्रोसेस को जो है लेकर आते हैं यहां पे ठीक है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ एलेवन ये है आपके माल्टोज ठीक है ध्यान रखेंगे शुगर से निकला कि यहां से शुगर हुआ सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू हम एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं माल्टोज का क्लियर सब कुछ ठीक दिख रहा है ना कोई दिक्कत तो है नहीं ना ठीक है अब जो ये माल्टेज है माल्टोज जो है अब यहां पे जो कि माल्टोज है यहां पे शुगर था वो इनवर्टेज में कन्वर्ट किया और यहां पर एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का दूसरा किसका? फ्रुक्टोज का बना यहां जो माल्टोज होता है वो क्या करता है यहां पे इंजाइम आता है, इसमें है माल्टेज अंतर यही होता है। जो शुगर टूटता है तो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बनता है माल्टेज टूटता है तो दो मॉलिकूल सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यानी कि दो मॉलिकुल्स ग्लूकोज का बनता है क्या बनता है दो मॉलिकुल्स ग्लूकोज का बनता है ठीक है जब ये टूटता है तो दो क्या करता है ग्लूकोज का बनाता है अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बना अब ये मॉलिक्यूल्स अब ये आ गया ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व अब यहां पर जो होता है वो काम करता है जाइमेज क्या करता है यहां पर काम करता है जाइमेज, ठीक है आई बात समझ में आपको सब कुछ दिख तो रहा है ना ऐसा तो नहीं गायब हो रहा है यहां पे आता है जाइमेज और जाइमेज जो होता है कन्वर्ट करता है दो मोल सी टू एच फाइव ओ एच और CO2 टू में यहां पे कन्वर्ट होता है सी टू एच फाइव ओ एच और CO2 टू मतलब ये जितने भी प्रोसेस हुए अब यहां तक आ गया हमारा एथेनॉल यानी कि इथेनॉल ठीक है यहां बन गया इथेनॉल अब यहां के बाद फिर से प्रोसेस अब ये रिपीट हो जाता है ये जो बना ये मिल गया फिर से हमको वास और फिर ये प्रोसेस क्योंकि यहां पर कितने परसेंट एट से 10% हमारे पास ये अल्कोहल होते हैं। फिर इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो एस्पिरिट बनाते हैं फिर एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन करते हैं तो एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाते हैं जो 100% होता है समझ में आया तो इसकी पूरी अगर हम समरी देखें तो कार्बोहाइड्रेट का प्रिपरेशन कार्बोहाइड्रेट्स हम सुगर क्या कहते हैं अल्कोहल कैसे बनाते हैं तो इसके दो मेथड होते हैं एक होता है सुगर से और एक होता है स्टार्च से सुगर से बनाने के लिए जो हमारे पास सुगर होता है जो हम खास करके मोलेसिस हो गए या बीट्स हो गए या हम लोग बार्ली ये सब जितने भी खास करके आपके जितने भी हम डिफरेंट डिफरेंट मोलेसिस में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं तो ये जो मोलेसिस जिसमें मीठे चीज हो गए ठीक है मोलेसिस हो गया आपका ग्रेप्स हो गया बार्ली नहीं ग्रैप, ग्रैप बार्ली में स्टार्च पाया जाता है ठीक है तो इन लोगों में क्या कैसे तैयार करते हैं कि हम पहले उसको क्या करते हैं उसकी जो गंदगी बने अगर हम शुगर केन की बात करें या उनके हम स्टार्च को पहले फिल्टर करते हैं ठीक है खास करके सुगर केन के लिए हमने कहा कि उसके जो रस होते हैं उसको हम हीट करते हैं हीट करने के बाद जो गंदगी बाहर निकलती है उसको हम बाहर लेकर आते हैं उससे हम उसमें सबसे पहले हम आम अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं मिलाने के बाद चूंकि उसको पहले दे... पहले काम तो डाइल्यूट करते, है। करते हैं डाइल्यूट कैसे करते हैं टेन परसेंट स्टार सॉल्यूशन से हम उसको डाइल्यूट करते हैं ठीक है डाइल्यूट करने के बाद उससे हम उसमें अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं और उसको मिलाने के बाद उसमें लिटिल बिट अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं वो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्यों क्योंकि उसमें बाहरी कोई अनवांटेड बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो फिर वहां से क्या करते हैं कि हम ईस्ट मिलाते हैं और इष्ट मिलाते हैं और टेम्परेचर रखते हैं थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है धीरे धीरे क्या होती है क्योंकि थर्टी डिग्री से रखा है कि इसका जो ग्रोथ रेट होता है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पर ही काम करता है ठीक तो वो क्या करता है कि यहां से जी इसको कुछ दिन तक जब छोड़ देते हैं तो इष्ट के अंदर दो बैक्टीरिया होता है सॉरी दो एंजाइम होता है एक को कहते हम लो इन्वर्टेज एक को कहते हम लो जाइमेज तो जो स्टार्च होते हैं वो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है मतलब छह कार्बन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं अब ये क्या करता है कि जो छह कार्बन के चेन होते हैं वो जाइमेज के प्रेजेंस में वो एथिल एल्कोहल और वहां से टू बाहर निकलता है है ठीक जो बन के तैयार होता है ये चूंकि आठ से दस परसेंट कंसंट्रेटेड एल्कोहल होता है उसका हम डिस्टिलेशन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब उसके जो मटेरियल्स होते हैं उसको हम बाहर निकालते गंदगी को बाहर निकालते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करने के बाद हमें 90 टू 95 परसेंट एल्कोहल प्राप्त होता है उसका हम डिस्टिलेशन कराते हैं जहां से हमें मिलता है, जो 100 कंसंट्रेटेड होता है स्टार्च की बात करें तो जितने भी स्टार्च वाले खाने होते हैं जितने भी फूड स्टार्च जिस, जिस फूड में स्टार्च मिलता है आलू हो गया ठीक है बाजरा हो गया या जितने भी क्या कहते हैं ये चावल हो गए गेहूं हो गए ये जिसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है उससे सबसे पहले हम स्टीम करते हैं स्टीम करते हैं 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पे अंडर प्रेशर मतलब उसको ढककर स्टीम करना अंडर प्रेशर का मतलब हुआ ढककर है ना कि आसमान में छोड़ दें और वो जाकर बाहर निकले तो अंडर प्रेशर उसको हम स्टीम करते हैं और फिर उसको हम तैयार करते हैं

वो क्या करता है माल्टोज में कन्वर्ट करता है ठीक है अब ये जो माल्टोज होते हैं वो माल्टोज क्या करते हैं कि अब यहां पे ध्यान रखेंगे अब ये माल्टोज जो मिलते हैं यहां पर एक चीज हमने छोड़ दिया यहां पे जो है माल्टोज अब यहां मिलाते हैं हम इष्ट ठीक है अब ये जो इष्ट होते हैं इष्ट के अंदर जो इस इष्ट में जो है दो एंजाइम हो गए एक हो गया माल्टेज और एक होता है जाइमेज ठीक है इष्ट को मिलाए कुछ दिन के लिए अब ये जो होता है माल्टेज कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में क्वेश्चन कहां बनता है स्टार्च के कन्वर्जन में ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और सुगर से अल्कोहल बनाते समय एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का वहां इंजाइम होता है इन्वर्टेज यहां इंजाइम होता है माल्टेज क्योंकि माल्टोज है तो माल्टेज पार्टिसिपेट करता है ठीक है दो मॉलिकुल्स ग्लूकोज का बनता है अब वो ग्लूकोज के मॉलिकुल्स जो हैं वो जाइमेज इंजाइम के प्रेजेंस में बना देते हैं एथेनॉल इथेनॉल जो बनता है फिर से वो प्रजेंस का बना कहलाता है और ये वास्तव जो होता है उसमें आठ से दस परसेंट एल्कोहल होते हैं ये एल्कोहल को जब हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो नाइनटी टू नाइनटी हमारे पास है एल्कोहल प्यूरिफिकेशन होता है फिर हमें जो एट्रोपिकल्कोहल तो मिलता है जो हंड्रेड परसेंट होता है खत्म हो गई आज की क्लास ये है कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल बनाने के मेथड अगर आप इसे सीख गए तो हमें हमें पूरी विश्वास है कि आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे शराब बनाते हैं और फैक्ट्री में शराब बनाने का यही मेथड होता है ठीक है किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में तो सीखेंगे इसके आगे के पार्ट जहां हम लोग सीखेंगे ठीक है तो आज इतना कल मिलेंगे फिर तब तक, तक ध्यान रखिए और कल जो है वह राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ी सी भूकंप भूचाल है कई लोगों की तो आज रात में नींद भी नहीं आएगा सुबह में लोग है। जाहिर सी बात है तैयारियां करनी है तो परीक्षा की घड़ी और रिजल्ट की घड़ी जो होती है एक बहुत बड़ी घड़ी होती है फिर मिलते हैं कल की क्लास में थैंक यू सो मच